दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम को पाकिस्तान से ज्यादा शक्तिशाली टीम मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला भारत पाकिस्तान मैच कौन सी टीम जीतेगी। कैप्टन सरफराज, मुश्किल मैच था आज का। जी बिल्कुल रमेश भाई, स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। दो विकेट जो हमने पहले 5 ओवर में गिनवा दिए थे, उसके अलावा हमें बीच में स्टार्ट मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने दोबारा विकेट लॉस की, जिसकी वजह से मैच वापस नहीं आ सके। स्ट्रैटेजी बैटिंग में समझ नहीं आई है सरफराज, आपको भी कुछ ऐसा लगा? बहुत सारी शॉट्स जल्दी में खेल गए, कोई रिदम नहीं बना, कोई पार्टनरशिप्स नहीं थी, क्या प्रेशर था या कि खराब बैटिंग हुई? नहीं, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खराब बैटिंग। अगर आप देखें, हमारे जितने भी आउट हुए सारे सॉफ्ट आउट हुए, सिवाय एक बाबर आजम के अलावा, वो कह सकते हैं कि आप अच्छा बॉल, लेकिन अदरवाइज आप देखें सारे कैच आउट हुए हमारे बाउंड्रीज पे या सॉफ्ट शॉट मारे हमने, तो ये हमें देखना पड़ेगा आगे आने वाले मैचेस में। स्पिन का मुकाबला आपको डट के करना था भारत के खिलाफ, जो कि नहीं हुआ, आपको पता था कि थ्रेट तो यही है असल में। ये बिल्कुल देखें, तैयारी तो हमने की थी उन दोनों की, लेकिन आउट हो गए तीसरा कर गया, तो वैसे ये पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले मैच में इस तरह की गलतियां ना करें और अच्छी बैटिंग करें। कितना बड़ा जोल्ट होता है जब ऐसा मैच आप हारते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहले मैच में खासी धुनाई हुई थी, फिर आपका कमबैक हुआ था, तो उठ सकते हैं आपके ख्याल में इस टूर्नामेंट में आप? देखिए, एक टूर्नामेंट मेरे ख्याल से मेन राउंड से पहले एक अच्छा साइन है, टीम को वेकअप कॉल मिल गई, जो गलतियां की हैं वो आगे आने वाले मैचेस में उसमें कोशिश करेंगे नहीं दोहराएंगे और अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। चले, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।